दोस्तों फास्ट ट्रैक लेकर के आ गया एक बहुत ही जबरदस्त हेडफोन जो कि वायर और वायरलेस दोनों तरीके से काम करता है। बस प्राइस थोड़ा सा भयंकर है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कर लो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को कर लो इमीडिएटली सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाते हुए, और वीडियो को ना पूरा एंड तक देखना ध्यान से, क्योंकि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग डिटेल्स सब कुछ हम आगे डिटेल में और क्विकली बात करने वाले हैं। दोस्तों ये है यहाँ पे फास्टेक रिफ्लेक्स FO2 हेडफोन्स। अब ये फास्ट ट्रैक की तरफ से ना एक फ्लैगशिप लेवल का हेडफोन है। अगर हम इसके ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और फिट फिनिश लेवल्स को देखें ना तो ये काफ़ी बढ़िया है। जो ईयर कुशनिंग्स है वो भी बहुत ही बढ़िया है, और जो हेड की तरफ कुशनिंग दिए हुए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। मतलब अगर आप इस हेडफोन को लगा करके लंबे टाइम तक भी इसका यूज़ करोगे ना तो आपको कानों में सर पे कंफर्ट ही रहने वाला है। डिजाइन में जो कंफर्ट का ध्यान रखा है ना, दैट्स एक्चुअली ब्रिलियंट। ये वाले मॉडल का जो खास हाइलाइटिंग फीचर है ना कि इसको आप वायरलेस और वायर दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर आप ऑन द गो हो और सडनली अगर हेडफोन का चार्ज खत्म हो जाता है तो नो नीड टू वरी एनीमोर, आप डायरेक्टली वायर के थ्रू अपने मोबाइल से कनेक्ट करके, अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। इसको कैरी करना भी इजी है, फोल्ड हो जाता है। फोल्ड होने के बाद आपके पॉकेट में तो नहीं लेकिन आपके बैकपैक में काफी इजीली आ भी जाता है बड़े कम जगह में। इसका जो प्रोडक्ट का वेट है ना ये लगभग 260 ग्राम्स का है। अब अगर इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को देखें ना, इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5 का सपोर्ट मिल जाता है, 5 माइक मिल जाता है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ANC फीचर के साथ में, जिसको आप इस बटन की मदद से बड़े ही आसानी से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो ANC फीचर है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को, अगर आप ऑन करते हो ना तो ये ऑन दी अदर हैंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा पावर भी कंज्यूम करता है, लेकिन अगर देखा जाए कॉल की तरफ से तो ये कॉल क्लैरिटी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है बाय 80% तक। में 3.5mm का ऑडियो जैक का सपोर्ट मिल जाता है, जिसको आप अपने डिवाइस के साथ बड़े ही आसानी से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। बैटरी की बात करें तो इसमें हमें 580mAh का बैटरी मिल जाता है टाइप सी कनेक्टर के साथ में। वॉइस असिस्टेंट के लिए गूगल और सीरी दोनों का सपोर्ट मिल जाता है। इसमें 40mm का ऑडियो ड्राइवर मिल जाता है, जिसका साउंड आउटपुट क्वालिटी पहले आप खुद सुन लो। वेल, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। जहां तक मैंने सुना जो बास और टेरिबल का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो काफी बैलेंस्ड है। मूवीज देखते टाइम जो सराउंड साउंड का जो एक्सपीरियंस हो रहा था वो भी काफी बेटर था। ब्लूटूथ का जो रेंज है ना, कंपनी क्लेम करता है कि ये 10 मीटर तक बड़े ही आसानी से आपको रेंज दे देता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ना ये मुश्किल से 7 से 8 मीटर के आसपास मिल रहा है। इस डिवाइस को ना फुल चार्ज होने के लिए लगभग 2 घंटे का टाइम लग जाता है, और एक फुल चार्ज से कंपनी क्लेम करता है कि आप इसको 20 घंटे तक बड़े ही आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप ANC फीचर को ऑन रख के इस्तेमाल करते हो तो जो बैटरी टाइम है ना थोड़ा सा कम हो जाता है, 15 घंटे के आसपास आपको प्ले टाइम मिल जाता है। ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे करंटली जो इसका प्राइस चल रहा है ना, थोड़ा सा तगड़ा है भाई। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये लगभग 8000 के आसपास का है। गेम खेलते टाइम ना जब हमने वायर के थ्रू गेम खेला उस टाइम पे इट वॉज लाइक डैम परफेक्ट, लेकिन जब हमने वायरलेसली इसको टेस्ट किया ना तब जो रनिंग के फुटस्टेप होते हैं या फिर जो कंटिन्यूसली शॉटगन फायरिंग के जो साउंड होते हैं ना, वहाँ पे हल्का सा लैगिंग था, बट दैट इज नेग्लिजिबल। दोस्तों ये था एक कंप्लीट डिटेल रिव्यू ऑन फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स वायरलेस हेडफोन्स। वेल, क्या है आपकी राय कमेंट में जरूर बताना। सो अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर नॉलेज पसंद आया हो तो जुड़ जाओ यार इस चैनल के साथ में, चैनल को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ईट हेल्दी स्टे फिट, टेक केयर, बाय।